हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और देखिए, अपनी स्ट्रेटजी बेसिस मैंने कुछ ट्रेड लगा रखा है और इसी बेसिस पे मैंने कुछ ट्रेड गिन भी किया है पहले। और ये भी ट्रेड देखिए, हमारी बहुत अच्छे तरीके से गिन हो रही है। सारी ट्रेड गिन हो गई, आप देख लो एकदम बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड सारे इसी स्ट्रेटजी से गिन हुई है। और आपके सामने भी कुछ ट्रेड है, आराम से मिल गई, कोई दिक्कत नहीं आया। तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, एक तरह से मैं आप उसको कह सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इस पे ट्रेड प्लेस करते हैं, क्या क्या टर्म कंडीशन है इसकी, कितने टाइम का आपको चार्ट का टाइम रखना है, कितने मिनट का आपको ट्रेड का टाइम लेना है, सारा चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस, ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँ जो आपके लिए हो सकता है बहुत ही प्रॉफिटेबल हो। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी लेके आता हूँ मैं। हमारे इस चैनल का काम यही है और सारी अल्टीमेट सारी स्ट्रेटजी सारी अच्छी होती है, सभी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है। तो अगर आप न्यू है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो आप ये काम कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आओ आपसे मिस आउट ना हो। क्योंकि देखिए, इन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कोई स्ट्रेटजी इसी में से एक ऐसी हो जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित, क्योंकि आप उसे मिस आउट ना करें। और इन द सेंस मैं आपसे एक चीज और कहती हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यार एक चीज दो चीज लेकर रखे, लो प्रॉफिट और लॉस, दोनों में से कोई एक चीज आपको लेना और जो वो उसे एक्सेप्ट करना है। देन फर्स्टली फोकस ऑन लर्निंग, पहले दिन से ही कमाने के चक्कर में पड़िए, फोकस करिए लर्न। क्योंकि देखिए, सीधा सा सीक्वेंस है, इन द सेंस अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें पहले से पता नहीं होता, पहले दिन ही जाके पूरी किताब नहीं पढ़ने आ जाती है, एक एक चैप्टर करके पढ़ते हैं, पहले दिन एक एक अक्षर को पढ़ते हैं, तब जाके पूरा शब्द बना पाते, तब पूरा कम्प्लीट होता है हमारा एक चैप्टर पढ़ने के, सेंटेंस बनता है, फिर जाके पूरी किताब पढ़ते हैं धीरे धीरे कर। तो यहाँ भी आप फोकस करोगे पहले लर्निंग, फर्स्टली फोकस ऑन लर्निंग, देन अदरवाइज आप सोचो प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं इसमें बेसिकली बता दूं कि मैंने यूज किया क्या किया है। देखिए, एसएमए देखिए दो लाइन लिया है, एसएमए 10 है और एसएमए 28 है, दो एसएमए लिया और पैराबोलिक लिया है। सारा कुछ हटा देता हूँ, फिर मैं सेटअप करके बताता हूँ। कैंडल पैटर्न आपको जैपनीज कैंडलस्टिक लेना है, चार्ट का टाइम आपको 1 मिनट का लेना है टाइम पे, और ट्रेड टाइम 1 से 2 मिनट का लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है इसी वाले सिंबल पे और इंडिकेटर में जाओगे आपको तो संडे मिलेगा, एक असंडे लिया एक असंडे और एक कर लीजिए, पैराबोलिक लेना है वो मिलेगा, तीनों चीजें आपको इंडिकेटर में मिल जाएगी। और जो जो पीरियड्स चेंज कर रहे हैं वो फर्स्ट असंडे के पीरियड को पढ़ देना है आपको, और कलर आप कर दो स्काई ब्लू और थिकनेस डार्क। दूसरी असंडे के पीरियड को हमें कितना करना है 28, कलर आप डार्क कर दो। पैराबोलिक में कुछ नहीं करना, आपको पीरियड्स नहीं चेंज करना, वाली थिकनेस चेंज करनी ताकि विजुलाइजेशन अच्छा हो। अब देखिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत आसान है और ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप जाइए चेकआउट करिए, देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाउन की ट्रेड बताने वाला हूँ आप। देखिए, जैसे ये असमे 10 पीरियड वाली लाइन असमे 28 पीरियड के लाइन पर यानी येलो वाली लाइन को क्रॉस करके डाउन आएगी, ठीक। और पैराबोलिक के जो डॉट है वो कैंडल के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो जी, तीसरी चीज क्या होगी, जो कैंडल उस लाइन को क्रॉस करेगी उस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, उससे अभी वाली कैंडल पे आपको ट्रेड प्लेस करनी है और मार्केट के फॉर्मेशन के हिसाब से, अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो कैंडल भी डाउन जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, आपको आपको ट्रेड किस पे लेना है, तो जो कैंडल उस लाइन को क्रॉस करेगी उस पे नहीं लेना है, उससे अभी वाली कैंडल लेना है। और वो भी कैसे लेना है कि अगर नीचे आ रही है तो रेड बननी चाहिए, यानी इस कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं डाउन टाइप में प्लेस करते हैं। जैसे ही ये लाइन स्काई ब्लू वाली 10 पीरियड एसएमए की लाइन 28 पीरियड वाले एसएमए की लाइन को क्रॉस करके डाउन आएगी, कैंडल ट्रेड मिलेगा, पैराबोलिक बनना चालू कहां से, कैंडल के ऊपर से। और कम से कम 3 से 4 डॉट का वेट करोगे आप, तब जाके हम क्या करेंगे 1 से 2 मिनट का डाउन का ट्रेड प्लेस करें, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डाउन का कैश ट्रेड, बिल्कुल वही ना अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, कहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो मैंने डाउन बताया यहाँ पे आपको उसके अपोजिट है, जैसे ही स्काई ब्लू वाली लाइन येलो वाली लाइन को क्रॉस करके अप जाएगी, सर अगर अप जाती है तो कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन होना चाहिए। ये चीज देखो, कट कर रहा है तो ग्रीन होना चाहिए, टोकन फॉर्मेशन तीसरे लोगे, पैराबोलिक के डॉट जो होंगे 3 से 4 कैंडल के नीचे कहाँ होने चाहिए, कैंडल के नीचे। ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे 1 से 2 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कब आपको अपवर्ड का ट्रेड लेना है, कब आपको डाउनवर्ड का ट्रेड लेना है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं, आप थोड़ा सा जुमाल कर देता हूँ। मैंने बोला कि जो लाइन उसको क्रॉस करेगी उस पर ट्रेड नहीं लेना, उससे अगली वाली कैंडल देखते ग्रीन बनती तो आप ट्रेड लेते, लेकिन रेड बन गई फिर से वेट करेंगे एक कैंडल का, फिर ग्रीन बन गई ये भी इस पर टचिंग है, आप इस पर ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो इससे अगली वाली कैंडल पे आप ट्रेड लो। अगर अप जा रहा है तो कंटिन्यूसली ग्रीन होना चाहिए, डाउन जा रहा है तो कंटिन्यूसली रेड होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज बता दो यार, ऐसे टाइम पे कोई ट्रेड मत लेना, ठीक है, ऐसे जगह पे कोई ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ऐसे जगह पे भी आपको
कोई ट्रेड नहीं लोगे, यानी कि थोड़ा सा एक दो बार स्ट्रेटेजी काम किया, बहुत अच्छे से आप पिन किए, सही पॉइंट पे क्लिक किया, तो कहीं भी ट्रेड लेना चालू करो, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसका नतीजा क्या होगा। ऐसे टाइम पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना, ओनली क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे आपको ट्रेड प्लेस करो, जहाँ लाइन का क्रॉस सेक्शन है वहाँ आप ट्रेड प्लेस करो, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो आसान लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरा VIP टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या मैं सिग्नल प्रोवाइड कराता हूँ 95%। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।